हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं Xiaomi के नए फ़ोन की, यानी कि Xiaomi 11T Pro की, जो अभी फ़िलहाल में जल्द ही लॉन्च हुआ है 15 सितंबर 2021 को। तो हम उस फ़ोन का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स कंपनी ने दिए हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, Xiaomi का जो ये फ़ोन है वो 5G फ़ोन सपोर्ट करता है, और अगर हम उसकी लॉन्चिंग की बात करें तो वह 15 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ है। और अगर हम उसका वेट की बात करें तो 204 ग्राम का टोटल वेट उसके फ़ोन का है। और डिस्प्ले की बात करें तो AMOLED के साथ में इसकी डिस्प्ले दी गई है, 6.67 इंच की डिस्प्ले है। और इसके अंदर जो ग्लास है, ग्लास के बाद फ्रंट ग्लास, वो गोरिल्ला ग्लास के साथ प्रोटेक्शन दिया गया है। और इसके अंदर OS एंड्रॉयड 11 के साथ में दिया गया है। और इसके जो हम प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 888 5G का इसमें प्रोसेसर दिया गया है। इसके तीन मॉडल निकाले गए हैं, जो 128 GB स्टोरेज के साथ 8 GB रैम है, और दूसरा मॉडल है जो 8 GB में 256 GB की स्टोरेज के साथ में है। तीसरा मॉडल इसका 12 GB रैम की 256 GB स्टोरेज के साथ में दिया हुआ है। और हम अगर इसकी बात करें बैक कैमरे की, बैक कैमरे में तीन कैमरे दिए गए हैं। जो पहला कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है, दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, और तीसरा कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। और हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की, तो वो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसके साथ हम अल्ट्रा HD की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरे के साथ में। हम बात करते हैं इसके चार्जिंग सॉकेट की, तो सी टाइप का सॉकेट दिया गया है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी है, और इसके चार्जर फास्ट चार्जर 120 वाट का चार्जर दिया गया है, जो 72% चार्ज सिर्फ 10 मिनट में करता है, और 100% की चार्जिंग 17 मिनट में कंप्लीट कर देता है। तो दोस्तों, आपको ये फ़ोन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी टेक्निकल वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।